ओम श्री साई नाथ हाय नमः। स्वागत है आपका साई दरबार चैनल पे। मैं आपकी साई अनु एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आप सभी को थैंक यू सो मच जो आप मेरा इतना सपोर्ट करते हो। आपकी वजह से जो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं वो आपकी वजह से और हमारे देवा की वजह से है। तो आपका स्पेशल थैंक्स है कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इस छोटी सी बच्ची को इतना सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट करते हो आप लोग। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, सीरियसली बहुत खुशी मिलती है। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोग पूरी देखना। सबसे पहले आप लोग पूरी वीडियो देखा करो, पता नहीं कौन सी बात कब आपके काम के लिए निकल जाए, क्योंकि होता है ऐसा कई बार, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, ओके। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करो, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो तो जब हम लोग लाइव आते हैं या फिर कोई भी वीडियो जब आती है तो उसकी नोटिफिकेशन जो होती है ना वो आप तक पहुंच नहीं पाती है, या फिर देर तक पहुंचती है, फिर आपको बाद में पता चलता है कि हाँ ये वीडियो तो इसको आए हुए 6 दिन हो गए। तो इसलिए पहले आप देख लो, तो शायद जब आपका मन दुखी हो या फिर तब बाबा आपको कुछ साइन दे देते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, तो वो आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी। आपसे मतलब आपको ये नहीं लगेगी अरे यार ये तो आई नहीं, ठीक है ना। तो उससे पहले आप लोग उसको बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो, ओके। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। और बहुत दिनों से मैंने आप लोगों से बात ही नहीं की थी, एक्सपीरियंसेस आ रहे थे भक्तों के बाबा के, लेकिन मेरी बातें आपसे नहीं हुई थी बहुत दिनों से। मुझे भी बहुत फील हो रहा था कि यार बहुत दिन से आपसे बात नहीं की, लाइफ पे भी काफी दिन हो गए ना। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आपसे मुझे कमेंट के जरिए जवाब मिलेंगे जो मैं आज आपके साथ बातें करने जा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहली बात, हम सब लोग जानते हैं कि जो टाइम चल रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है, इसको हम अच्छा नहीं कह सकते टाइम को। बहुत मुश्किलों से लोग इससे जूझ रहे हैं, लोग इससे लड़ रहे हैं, और बहुत लोग इसमें बहुत लोगों की जान भी जा चुकी है, जा चुकी है ना। और हम जैसे लोग अपने मालिक की बदौलत आपसे बैठ के बात कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूं मैं अपने मालिक की, थैंक यू देवा, थैंक यू सो मच। और इसी तरह आज इसी बेस पे मैं आपसे बात करूंगी कि जब एक आपको पता है आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप किसी भी चीज को मात दे सकते हो, किसी भी चीज को पीछे छोड़ सकते हो, लेकिन वो आपको दिखती नहीं, ये करेक्ट है, वो आप देखते ही नहीं हो उस चीज को, ठीक है। तो आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, अभी आप लोगों के जो क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास बहुत सारे हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि अनु बाबा की पूजा में लहसुन प्याज वगैरह खा सकते हैं? ऑफ कोर्स खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन जो दिल करता है ना वो खा सकते हो आप। और बाबा को भोग कैसे लगाना है? बाबा को भोग जैसे आप खाते हो ना खप खप खप, वैसे बाबा को भोग लगाना, बाबा भी खा लेते हैं, लेकिन वो आपके मन की आंखों से बाबा खा लेते हैं, आपको बस बाबा के आगे रखना है। या फिर अगर आपको दिल करता है तो बाबा को तोड़ तोड़ के भी खिला दो, जैसे हम लोग कौर कौर खाते हैं ना वैसे भी खिला दो, बुरकियां बुरकियां पाके बाबा को, वो आपकी श्रद्धा है। अगर आपको बाबा को ऐसे रखना है तो थोड़ी देर बाबा के पास रखा रहना दो, आपके आंखें बंद करके जो कहना चाहते हो वो कह दो बाबा से, अगर नहीं तो खाओ हमारे साथ खाओ, ठीक है। वो खिलाकर फिर उसको बाबा को पानी पिलाकर अच्छे से मुंह वगैरह पोंछ कर उनको बैठा दो, फिर आप खाने की जगह पर जाकर आराम से खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा कोई वो थोड़ी है जो बाबा को तिकड़म बिकड़म मंत्र मंत्र फूकने पड़े खाने के लिए, ऐसे भी आप खिला सकते हो, ठीक है। मंदिर की बात अलग है, लेकिन घर पर आपके वो भगवान हैं, आपके माता पिता हैं, आपके यार हैं, आपके दोस्त हैं, हर रिश्ता जुड़ा है साईनाथ से, जिस रिश्ते से भी चाहो आप उनको खिला सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत लोग बोलते हैं कि अनु हमें गुस्सा बहुत आता है और गुस्से का इलाज क्या है, गुस्सा कैसे कंट्रोल। तो अच्छा एक बात बताओ, कई लोगों को पता क्या लगता होगा कि ये तो सारी बातें हमें पता है जो ये बताती है, लेकिन आपको पता होने के बावजूद कभी आपने सोचा है कि आप उसको फॉलो करते हो? नहीं करते। कई बार क्या होता है हमारे घर पर, एक्चुअली ऐसे कई बार घर पर हम लोग बैठे होते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे घर वाले होते हैं वो हमारी बात नहीं मानते, लेकिन बाहर वाला पर्सन अगर उनको बोल देगा ना कि ऐसे ऐसा, तो वो उसको जरूर फॉलो करेंगे। तब बड़ा गुस्सा होता है, यार हम जो कल कह रहे थे वो तो तुमने सुनी नहीं और बाहर वाले की सुन ली। तो ऐसा बहुत जगह होता है, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूं। लेकिन कभी कभी ना किसी की बात यहां पर बैठ जाती है,
मेरे पास इतनी नॉलेज तो है नहीं जो मैं आपको देती हूँ, लेकिन जो मैं समझती हूँ कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए वही मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि गुस्सा कंट्रोल कैसे करते हैं। मान लो किसी ने कुछ कह दिया, आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, बहुत गुस्सा आया, यूं करो इसको उठा कर पटक दो बस, है ना, ऐसा गुस्सा ऐसा गुस्सा आता है ना, इस गुस्से में आपको क्या करना है। अच्छा एक बात बताओ, जब गुस्सा करते हो किसी पे भी गुस्सा कर, तो एनर्जी किसकी वेस्ट हो रही है? वो क्या कर रहा है? सुन रहा है। दिमाग किसका खराब हो रहा है? आपका। चिल्ला कौन रहा है? आप। सब कुछ किसका जा रहा है? आपका। उसका क्या हो गया? कुछ नहीं, वो सिर्फ सुन रहा है, ऑब्जर्व करके निकल जाएगा बस, तुम चिल्लाते रहो, तुम्हारा सब वेस्ट हुआ। दिमाग किसका खराब हुआ? आपका। सब कुछ गया किसका? गुस्सा करके अपना ही नुकसान होता है, कभी किसी दूसरे का नुकसान आज तक नहीं हुआ। क्रोध खुद को ही खा लेता है, अपने आप को हम लोग परेशान करते हैं दूसरे की वजह से। क्यों? वो बोल रहा है कुछ नहीं ना, इसलिए खुद को हमेशा फ्री माइंड रखो। गुस्सा आता है, नेचुरल सी बात है, जब इंसान बना है तो गुस्सा तो आएगा आएगा, लेकिन उसको कंट्रोल करना हमारे बस में होता है, जो आप करते नहीं हो। एक मिनट के लिए ये सोचो कि मैं, अगर मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे खुद से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम किसको हो रही है? मुझे हो रही है। दिक्कत कौन उठा रहा है? मैं उठा रहा हूँ। अगर मतलब चिल्ला भी मैं रहा हूँ, गुस्सा भी मैं कर रहा हूँ, वो सिर्फ सुन रहा है। क्रिएट कौन कर रहा है? हम। रिसीव कौन कर रहा है? वो। उसने रिसीव करके हट गया, क्रिएट किसने किया? आपने। दिक्कत किसको हुई? आपको। अब गुस्सा करोगे आप? करने से पहले सोचना कि नुकसान किसका होगा, टाइम वेस्ट किसका होगा, ठीक है, एक बार करने से पहले जरूर सोचना। अच्छा हाँ, आपको ना एक काम करना है, करोगे ना? वादा करो, पक्का आपको वो काम करना है। मैं बताती हूँ वो करना क्या। सुबह उठते हो, बोलो हाँ, ठीक है, मैं सुन नहीं पाऊंगी, लेकिन आप जो वीडियो देख रहे होगे ना, अभी आप देख रहे हो वीडियो को, तो आप बोलोगे मैं जो बोलती जा रही हूँ ना वो आपको रिपीट करना है मेरे पीछे पीछे, ठीक है। आप सुबह उठते हो, हाँ, 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, लेकिन नॉर्मली हमें 8 से पहले पहले उठ जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 बजे उठते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप उठते हो तो आपको अपने माइंड में थॉट क्रिएट करना है। थॉट क्रिएट करना है क्या, आइए सुनते हैं। और इस मतलब आपको आने वाले दिनों में ये आपको अपनी हैबिट बना लेनी है, बनानी है आपको। मैं मुझे कमेंट में चाहिए कि आपने इतने दिनों के बाद आपके साथ अगली वीडियो आएगी तो मुझे आपसे इसके जवाब चाहिए, मैं लाइव आकर जवाब लूंगी आपसे इसके, ठीक है। तो लाइव में फटाफट आया करो, जल्दी जल्दी देर नहीं लगाया करो। आपको सुबह उठते क्या करना है? एक तो पता क्या होता है, आप लोग देना बहुत याद रखते हो कि दे दिया हमने उसको, क्या दे दिया। कई लोग क्या करते हैं, यार मैंने ना उससे 6 बार बात की, मैंने उसको 6 बार बुलाया, उसने मुझसे 1 बार भी बात नहीं की। कौन कौन करता है बताओ? ऐसा सबने कहा होगा, ये लाइफ में पक्का सबने बोला होगा, मैंने उसे 6 बार बात की और उसने पलट के जवाब तक नहीं दिया, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत है? अगर आपने उस अपनी तरफ से 6 बार ट्राई किया तो वो आपके संस्कार हैं, आपका नेचर है, आपका स्वभाव है। उसने आपको 1 बार भी नहीं रिस्पांस दिया तो वो उसका नेचर है। आने वाले समय में प्रॉब्लम किसको होगी, आपको या उसको? क्योंकि वो आपके साथ कर रहा है, किसी और के साथ भी ऐसा करेगा तो दिक्कत तो उसको आएगी ना, लेकिन आपका जो नेचर है वो तो देना है, आप तो देते हो। मैंने भैया उसको अपना 100% दिया, आपकी तरह सिर्फ कभी गलती नहीं निकलेगी। लेकिन ये मत सोचा करो मैंने तो 6 बार कर लिया, या फिर 5 बार कर लिया, 3 बार बात कर लिया, उसने करी नहीं, फिर क्या हो गया? तो आपका नेचर ही देना है, आपको साइन ही देना सिखाया है, ठीक है। अगर वो नहीं देता कोई दिक्कत नहीं, वो उसका नेचर है, वो उसका स्वभाव है, उसकी मैटर है, उसका उसकी लाइफ है। क्योंकि कहते हैं सोच का स्वभाव मन पर होता है, मन का स्वभाव मन का सॉरी सोच का फर्क मन पर पड़ता है, मन का फर्क पूरी बॉडी पर पड़ता है, और बॉडी का फर्क पड़ता है पूरी लाइफ पर। तो मेन पॉइंट क्या हुआ? आपकी सोच। कहते हैं कि पेड़ की डाल काटने से पेड़ नहीं सूखता, पेड़ सूखता है जड़ काटने से।
पेड़ कब सूखता है? जब उसकी जड़ काट दिया। तो हमारी जड़ क्या है? हमारी सोच। अगर हमारी सोच अच्छी नहीं होगी तो हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आपकी सोच के हिसाब से आपकी लाइफ डिपेंड करती है। अगर आपकी सोच अच्छी है आप पूरी लाइफ खुशी खुशी बिता सकते हो, और आपकी सोच अच्छी नहीं है, नेगेटिविटी भरी हुई है, तो आप लाख कोशिश कर लो आप सुखी रह ही नहीं सकते। पूछते हो ना जवाब मुझसे ये वाले क्वेश्चन आप कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपने सोच ही वैसी बना रखी है कि मुझे अच्छा लगेगा ही नहीं, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता, या फिर मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लो तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो लाइफ में, हर चीज़ को पा सकते हो। क्योंकि एक इंसान के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो चाह ले तो वो कुछ भी कर सकता है, और ना चाहे तो कुछ भी नहीं। जैसे हम लोग देखो बैठे कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी लास्ट में, भूल गई तो सॉरी, लेकिन सुनाऊंगी जरूर। मैं क्वेश्चन क्या कर रही थी, आपका क्वेश्चन था संकल्प। हाँ, आपने सुबह उठते करना क्या? हाँ, सुबह उठते करना क्या, ये मेरा मेरा मतलब मुझे आपको बताना था। तो आपको क्या करना है, सुबह जब भी आप उठते हो आपको बाबा के सामने बैठ जाना है, या फिर जहाँ आप उठे हो वहीं पर बैठ जाओ। बाबा आपके फ़ोन स्क्रीन पर लगे होते हैं, वॉलपेपर में लगे होते हैं, कहीं पर भी आपने बाबा लगाए होते हैं। क्योंकि आजकल तो मोस्टली सबने फ़ोन स्क्रीन पर वॉलपेपर लगाया होता है, वो बाबा का ही लगाया होता है। जितने भी डेवोटीज हैं जहाँ तक मुझे पता है, अगर नहीं लगाया तो लगा लीजिए, ठीक है ना। तो वो आपने वॉलपेपर लगाया था बाबा का, मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको देखते हुए आपको बाबा को सामने रखना है। और नहीं बाबा है, कुछ नहीं है, तो अपना आंखें बंद करो और सामने साईनाथ होते हैं, क्योंकि फर्स्ट चेहरा उन्हीं का आता है मेरे सामने, तो उन्हीं का आता है। अपनी आंखें बंद करो और मालिक से कहो, अपने आप से कहो कि बाबा थैंक यू सो मच, आपने मुझे हर चीज से बचा रखा है, अब आने वाले दिनों में मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। कहकर देखना, ये कहो कि बाबा आने वाले दिनों में मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और इसको दिन में रिपीट करते रहो। कितनी बार करो? कुछ पैसे लगते हैं? नहीं लगते ना, तो रिपीट करो जितनी बार कर सकते हो। बाबा से बोलो, बाबा थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना दिया। बाबा थैंक यू सो मच, आज मैं सुरक्षित हूँ। बाबा थैंक यू सो मच, आज मेरे साथ आप हो। बाबा थैंक यू सो मच, जो आपने मुझे हर प्रॉब्लम से बचा कर रखा है। जो लोग आज हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं उनकी क्या हालत है, जरा सोच कर देखो। लेकिन हम खुश हैं, हम अच्छे हैं, हमें आपने बचा कर रखा है, हमें आपने खुश रखा है, हमारे फेस पे ग्लो रखा है। और जो 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 दिल में आता है ना, बस शुक्रिया करना है आपको उस मालिक का, किसी भी तरह करो। वो आप पे डिपेंड करता है, मैं किस तरह करती हूँ मुझ पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं उस थैंक्स को। जब वो हमें खुश देखता है, हमें खुश रखता है, हमें तंदुरुस्त रखता है, तो हमारा एक थैंक्स करने का फर्ज नहीं बनता? बनता है ना। आप उसको मालिक को शुक्र करो और अपने अंदर ऐसे थॉट्स क्रिएट कर लो कि आप बिल्कुल अच्छे हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। यू डू इट, ठीक है, आप करोगे, वो आप करोगे और डेफिनेटली करोगे। जब पैसा होता है ना, इसी को कहते हैं ना, ऐसे कैसे करते हैं पैसा, तो ये ना उस समय रखा का रखा रह जाता है, काम नहीं आता। लेकिन जो दुआएं कमाते हैं, जिनके पास दुआ होती है ना, वो बचकर निकल जाते हैं। इसलिए दुआ लेना बहुत जरूरी है, किसी की जितनी ले सकते हो ना अपनी दुआएं लिया करो, बहुत काम आती हैं दुआएं। मेरे तो बहुत काम आती है, आप लोगों की दुआएं ना मेरे साथ, आई एम सेफ, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग मेरे साथ हो। तो आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये सब करोगे मुझे ज़रूर बताना, आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया है, ठीक है। आपको करना है ये, सुबह उठते ही बाबा से थैंक्स करना है, बाबा को वादा करना है कि बाबा मैं खुश रहूँगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मेरे फेस पे हमेशा स्माइल रहेगी। ये बाबा से वादा करना है आपने कि मेरे फेस पे स्माइल रहेगी, मैं अच्छा सोचूंगा, अच्छा करूंगा, और उन लोगों के साथ रहूंगा जो अच्छा सोचते हैं। बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आप रहते किन लोगों के साथ हो, बात किन लोगों से करते हो, कि जैसा आपका माहौल होगा वैसी आपकी सोच हो जाएगी। अपनी सोच को सुधार लीजिए, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। और नहीं कोई मिलता ना मुझसे बात करो, मैं आपकी जितनी सुधार पाऊंगी ना उतनी सुधारूंगी। ब्रेन वॉश करो अपना,
अच्छा सोचो, अच्छी चीजों को फॉलो करो, जो अच्छा करते हैं उनको फॉलो करो। ये टू ना अटेट का पता नहीं क्या क्या होता है, इनको फॉलो मत करो, इनमें ना आप उसमें फंस कर रह जाते हो। ये करने से ही होगा, अदरवाइज नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने सोच लिया ना कि ये काम तो होना है, तो वो काम होकर रहेगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। इसलिए अपनी सोच में ये बैठा लो कि मैं, मुझे तो अच्छा करना है, मुझे तो सोचना ही नहीं है घटिया। बस आपकी लाइफ ना बदल जाए तो कहना, आप 9 दिन करके देख लो या फिर 7 दिन करके देख लो। सुबह उठो और बाबा से कहो कि बाबा थैंक यू सो मच, मैं हैप्पी हूँ, थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा फील हो रहा है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अच्छा रखा है, और मैं अब अच्छा सोचूंगा, अच्छा करूंगा, मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं बाकी लोगों के लिए भी जी सकता हूँ, उनके लिए भी सोच सकता हूँ। आपकी लाइफ नहीं बदल जाए तो कहना, और दिन में ऐसा कई बार कहो। फ्री होते हो ना, पानी पीते हो ना, उस टाइम भी बोलो कि मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मैंने बहुत लोगों के मुंह से कहते हुए सुना है, भगवान ऐसी लाइफ तो किसी को ना। पहले मैं भी बोलती थी, अब देख रहे हो, आपके सामने हूँ, खुश हो ना? और ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, कई लोगों ने मुझसे पूछा, अनु आप मैरिड हो? तो मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अभी अनमैरिड हूँ, ओनली अपने बाबा से प्यार करती हूँ। अभी मेरी लाइफ में ऐसा बाबा हैं बस, अदरवाइज मेरी मैरिज नहीं हुई है। मैं आपको बता दूँ, आपके बहुत लोगों के क्वेश्चन थे ऐसे। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बहुत से लोग पता है क्या बोलते हैं कि यार पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो लोग क्या बोलेंगे मेरे को, पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे मुझे देख करके। अच्छा एक बात बताओ, कभी किसी ने किसी को अच्छा बोला है आज तक? इस दुनिया ने कभी किसी को छोड़ा है? मुझे तो नहीं लगता। जो इंसान कामयाब हो जाएगा उससे ये पब्लिक जलती है, दुनिया जलती है, और जो नाकामयाब रहेगा उसको ताने मारती है। यही होता है ना, उसको उसको बहुत सुनाती है, अरे यार इसको कुछ कर ही नहीं पाया। ठीक है, मतलब जो कामयाब हो जाता है उसको क्या करती है, उसको जलती है उससे, और जो नाकामयाब रहते हैं उनका मजाक बनाती है, और इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है। अगर आप सोच लो ना कि उसके सोचने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो आपको, आप बिल्कुल खुश रह सकते हो हमेशा के लिए। आप बचपन में क्या होता था हमें स्कूल में, यार तू तो गधा है, तू हम अगर गधा समझ ले खुद को तो हम गधे हो गए। कई बार क्या होता है, आपको सोच का मैं बताती हूँ, सोच आपके थॉट्स जो होते हैं आपकी लाइफ पर कितना ज्यादा असर करते हैं। कभी सोच लेना कि आप अपने आप को ना बीमार फील करने लग जाओ। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, आप हंसोगे लेकिन मैं आपको बताती हूँ। स्कूल में मुझे घर से किसी की शादी थी फैमिली में, तो मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी स्कूल में। स्कूल सुबह स्कूल चली गई थी, तो मम्मा ने बोला था हाफ डे लेकर के आ जाना। तो मैं प्रिंसिपल मैम के पास गई, मैंने कहा मैम मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो वो बोलती है नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, जाकर स्टडी करो, रोज आ जाते थे छुट्टी छुट्टी मांगने के लिए। मैं गई, मैंने कहा और क्या होगा, मैंने कहा छुट्टी नहीं मिल रही, बिल्कुल ठीक थी। फिर मैंने सोचा कि यार अब तो नाटक करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मैडम मुझे बुखार है, और फिर मैं मैडम के पास नहीं गई। अब मैंने सोच लिया कि मुझे फीवर है, बुखार है, मानोगे आप मुझे हकीकत में फील हो रहा था मुझे बुखार है, मेरा पूरी बॉडी गर्म हो चुकी थी। अरे यार काम करने का मन नहीं कर रहा, ढीला ढीला शरीर हो गया एकदम, तो वैसे हो गया। मैं कहा मेरे को बुखार है, घर जाकर भी शादी में जाना था, मुझे लगा था मेरे को बुखार है। मैंने सर से गई, गई सर के पास, मैंने कहा सर मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे को फीवर है। सर ने देखा, हाँ यार इसको तो फीवर है, शक्ल इसकी फीवर जैसी लग रही है। तो मैम के मैम ने मैम भी वहीं पर बैठना था, अभी तो ठीक थी एकदम। कहीं मैम मुझे फीवर था इसलिए मैं आपके पास छुट्टी मांगने आई थी, आपने मुझे दी नहीं। तो बोले तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। मैंने कहा मैम मैं आपसे इसलिए तो बोलने वाली थी, आपने पहले मुझे मना कर दिया। बोलते चलो ठीक है तू घर जा। तो वहां पर बात ये नहीं कि छुट्टी मिली, बात ये है कि जैसे मैंने थॉट्स क्रिएट कर लिए थे वैसे ही मैं बन गई। तो कभी गलत मत सोचो, पॉजिटिव रहो हमेशा, पॉजिटिव। नेगेटिविटी जो देता है ना आपको, उससे दूर हो जाओगे तो भैया मैं उनसे बात ही नहीं करनी। लेकिन अपनी अपनी सोच पे किसी का गंदा सा असर मत होने दो, आप अपने को ठीक रखो बस। क्योंकि आप ठीक हो तो आप अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना? अगर आप अच्छे हो तो सुबह उठो, मैं तो कह रहा हूँ 9 9 थॉट्स क्रिएट करो, जितने भी आपको बनते क्रिएट करो, बोलते जाओ। मैं तो गिनने की जरूरत नहीं, बोलते जाओ कि थैंक यू सो मच बाबा, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे चारों ओर आपका कवच, साईं नाम का कवच है हम सबकी तरफ, हमें कुछ नहीं हो सकता।
मेरी फैमिली के ऊपर साईं नाम का कवच है, हमें कुछ नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, मेरे अड़ोस पड़ोस में साईं नाम का कवच है, हमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और हो सकता तो अपनी फैमिली को भी कहो कि वो भी ये सब बोला करे। ओके, बहुत फर्क पड़ता है, बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये वीडियो आज आपके थॉट्स के लिए था। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा लोग पॉजिटिव कैसे रहते हैं। पॉजिटिव रहने का सबसे जरूरी एक पॉइंट है, वो आपकी सोच। फर्स्ट पॉइंट सोच पे, और सोच पे पूरी वीडियो है ये, कि सोच पे ही आपकी लाइफ डिपेंड करती है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी चीज को भी जीत सकते हैं। कभी आप हारोगे नहीं अगर आपने ठान लिया, क्योंकि अगर हम ठान लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी लाइफ को किस दिशा में लेकर जाना है, अच्छे की तरफ या बुरे की तरफ। ठीक है, क्योंकि आपके चाहने से ही आपकी लाइफ में सब कुछ होता है। ये सोच लो कि आपके चाहने से ही आपकी लाइफ बदल सकती है, और आपके चाहने से ही आपकी लाइफ बिगड़ भी सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरफ जाना है और किस तरफ खुद को लेकर जाना है। कर्म मायने रखते हैं, पर कर्म आप तभी करोगे ना जब सोचोगे। आपने मान लो सोच लिया कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, मैंने कोई स्टोरी बताई थी ना आपको बताने के लिए, भूल गई स्टोरी, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप सोच लोगे ना जो, वो आप डेफिनेटली कर लोगे। सोच ही आपको हारने पर मजबूर कर देती है, और सोच ही आपको जीतने पर मजबूर कर देती है। अगर आपने अपनी सोच को स्ट्रांग बना लिया ना, तो आपसे आगे कोई नहीं जा सकता। आप विजेता पहले से घोषित कर दिए जाते हो अगर आपकी सोच अच्छी। आपने सोच लिया कि भाई मैं तो जीतूंगा, तो आप डेफिनेटली जीतोगे। आज मैं यहां बैठी हूं अपनी सोच की वजह से, और मैं रोज यही सोचती हूँ कि मेरे साथ आगे बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं आपको भी कहती हूँ कि मेरे साथ आगे बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने कितनी बार रिपीट किया इस वीडियो में, मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया, उसका असर कहाँ हुआ? मेरी सोच पर। सोच क्या बन गई? अरे अनु तो तुम सब कुछ कर सकती है। तो अब क्या अनु सब कुछ कर सकती है? पहले मैं उन्हीं लोगों के साथ मिलती थी जो लोग मुझे कहते अनु तुम्हारा क्या होगा यार, बताया ना पिछली वीडियो में, तुम्हारा क्या होगा यार। अब मैं खुद को खुद से मिलाती हूँ। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, नहीं मिरर है कैमरा खोल लो अपना वीडियो के सामने। तुम स्ट्रांग हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है, तुम्हारे साथ साइन आते हैं, तुम बहुत पावरफुल हो। कि हंसो उसके बाद, पागल हो जाओ अपने लिए। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा किसी दूसरे के लिए आए, वो उसके चक्कर में पड़े पड़े पागल हो जाते हैं। क्यों सोचते हो इतना किसी के बारे में? अपने बारे में सोचो ना यार, अपनी लाइफ तो जियो। आप जियोगे ना खुश, वो खुद भाग के आएगा आपके पास, जिसने आपको चीट किया, जिसने आपको, वो खुद आएगा। यार ये तो खुश है, अभी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बस आपकी लाइफ जब अच्छी होगी ना, तो दुनिया आपके पास आने की कोशिश करती है। जब आप आगे बढ़ जाते हो ना, तो लोग आपसे पूछते हैं, वही लोग जो आपको थोड़े दिन पहले गलत गलत बोलते थे, गलत चीजें यूज करते थे, आपके लिए गलत वर्ड्स यूज करते थे। ठीक है ना, आज के बाद वादा करो आप गलत नहीं सोचोगे, वादा करो कि आप अच्छा सोचोगे, वादा करो कि आप हमेशा खुश रहोगे। दुख आता है तो उसको रिमूव कर दो थोड़ी देर के लिए, बाबा के पास बैठ जाओ, उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलो, जिससे भी आप प्यार करते हो ना बहुत ज्यादा, वो उससे प्यार करना लेकिन जो खुशी दे। ठीक है ना, उससे नहीं कर बैठना कि अभी बस हर टाइम टाट दिल तोड़ दिया, हर टाइम मन खराब कर दिया, हर टाइम मूड खराब कर दिया। सबसे प्यारी चीज आपकी लाइफ में जो हो ना, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलना मैं बहुत खुश हूं। और मुझे लगता है जितने भी साईं डेवोटी हैं, उनके लिए साईं से प्यारा और कोई नहीं हो सकता। करेक्ट है ना, बाबा की आंखों में आंखें डाल के ना बोलना, देवा मैं तो बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच तुम मिले मुझे, अली मिले बाबू, थैंक यू सो मच आप मुझे मिले। ठीक है ना, इतना प्यार जताओ अपने आप, आपके अंदर प्यार की जो भावना है वो बढ़ जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, और वो आपको वो देगा जो आपको उम्मीद भी नहीं थी। ठीक है, तो
तो ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिन लोगों को मेरे ब्लॉग्स देखने हैं, मतलब बहुत जल्दी मैं ब्लॉग्स बनाने वाली हूँ कि मैं आपके साथ, मतलब आपको मैं खुश देखना चाहती हूँ, तो मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी, उसके जरिए आपको हर टाइम पॉजिटिविटी देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और व्लॉग्स देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाओ, वहां पे नीचे आपको शो होगा साई अनु व्लॉग, साई संभाल लेंगे के साथ है वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, जो क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मेरा नंबर आपको मैंने हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया होता है, वहां जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और अपने आप को स्वस्थ समझिए, ठीक है। गर्म पानी लेते रहना और मास्क यूज करो, जहां बाहर जाते हो, नहीं जाते हो तो मास्क जरूर यूज करना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप अपनी साई राम से जब भी मन करे, दिल करे पूछ सकते हो, ओके। ओम साई राम, जय साई राम, बाय बाय, लव यू ऑल, एंड सेफ रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो। ये समझाया ना पूरी वीडियो में, अगली बार ऐसे ही मिलना मुझे।